हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्मॉल स्फेरिकल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बबल गामा इक्वल टू 5/3 इज ट्रैप्ड इनसाइड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1, सी फिगर। एज्यूम दैट द बबल डज नॉट एक्सचेंज एनी हीट विद द लिक्विड। द बबल कंटेन्स n मोल ऑफ गैस। द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द बबल इज एट टेम्परेचर टी नॉट, राइट, इज एट बॉटम। द हाइट ऑफ द लिक्विड इज h एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट। Neglect the surface tension. As the bubble moves upward, beside the buoyancy force, the following force acting on it, and our options are option A, only the force of gravity, B, the force due to the gravity, and the force due to the pressure of the liquid, C, force due to gravity, force due to the pressure of the liquid, and the force due to the viscosity of the liquid, and D, the force due to the gravity and the force due to the viscosity. So the key concept. Use here is like motion of liquid, like motion of body in liquid, right? Or in fluid, right? अगर हमारा कोई लाइक हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये फ्लूइड से ऐसे भरा हुआ, right? एंड इसमें हमारा बॉडी है जो कि वाई डिस्टेंस पे ऐसे यहाँ पे लाई कर रहा है। नो, ये हमारा पी नॉट है। सो इनिशियली कहाँ था? इनिशियली ये बॉटम पे था, राइट, ये मूव करके ऊपर गया, राइट। तो लाइक बायोन फोर्स को हमें निग्लेक्ट करना है, राइट। तो उससे पहले हमें जानना हो बायोन फोर्स होता क्या है। वी नो कि अगर हमारे लाइक हमारे पास कोई बॉडी हो, अगर वो लिक्विड में सबमर्ज्ड हो, लाइक इमर्ज्ड हो, तो क्या होता है, इस पे अपर पार्ट पे फोर्स लगेंगे ड्यू टू द लिक्विड, राइट। लाइक अगर ये कुछ एच हाइट नीचे है तो रोज ही एच टाइप फोर्स लगेंगे इस पे, राइट। तो लिक्विड के द्वारा इस पे फोर्स लगेगा, राइट। इट्स ए पी नॉट लग रहा है इस पे, पी नॉट, पी वन, पी टू ऐसे डिफरेंट हो गए क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है ना लिनियरली। तो हाइट चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होता रहेगा, राइट, ऐसे कुछ लगता रहेगा। बट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक यहाँ से देख सकते हैं जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा लाइक उसका हाइट क्या है, ज़्यादा है सरफेस से, राइट। तो ये फोर्स जो बॉटम पे लग रहे होंगे, इस फोर्स का लाइक इस प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, राइट, कंपेयर टू द अपर पार्ट, राइट। तो इसकी वजह से एक नेट फोर्स ऊपर की ओर लगता है जिसे हम बायोन फोर्स बोलते हैं, राइट। तो फोर्स, बायोन फोर्स नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड ही है और हमें उसे निग्लेक्ट करना है, राइट। तो हमें फोर्स ऑफ लाइक फोर्स ड्यू टू द लिक्विड हमें क्या, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड क्या करना है, हमें निग्लेक्ट करना है। तो हमें तो प्रेशर कंसिडर नहीं करना है, लाइक तो एक फोर्स तो हमारा निग्लेक्ट हो गया, दैट इज बायोंट फोर्स, और वी से द प्रेशर, द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये हमें निग्लेक्ट करना है। नाउ इस पे और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, एक तो बायोंट ऊपर क्यों लग रहा था, राइट, एक एम जी लगेगा ड्यू टू मास, राइट, एन मोल है तो इस पे लाइक एन मोल का, एन मोल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। तो उसकी वजह से एम जी नीचे क्यों लगेगा, तो एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट करेगा, राइट। एंड नाउ जैसे ये यहाँ से लाइक बॉटम से कुछ हाइट ऊपर तक गया, तो लाइक लिक्विड के सरफेस के द्वारा इस पे फ्रिक्शन लगेगा, राइट, जिसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ये सेम टू सेम एज ए फ्रिक्शन, लाइक सिमिलर टू द फ्रिक्शन है, राइट, जैसे हमारा कोई बॉडी ऐसे मूव करते रहता है एंड सरफेस अगर रफ हो तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है कि अगर ये फोर्स लाइक ये मूव कर रहा है ऊपर की ओर, राइट, तो इसके मूवमेंट की वजह से इसके लाइक सरफेस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन, लाइक विस्कोसिटी फोर्स लगता है, और इसे फ्रिक्शन ड्यू टू द लिक्विड लगता है, फ्लूइड लगता है, तो इसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो एक विस्कस फोर्स तो इस पे लगेगा, राइट, तो दूसरा जो फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स लगेगा। And it arises due to the friction between the surface, like body surface and the fluid, right? तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशन एंड एक फोर्स ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।